बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक जो है वो सेकेंड ईयर मैकेनिकल PHY 212 के हवाले से है, फिजिक्स का। तो चैप्टर नंबर 4 के मैंने आज न्यूमेरिकल हल किए हुए हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर। तो इसके न्यूमेरिकल पहले भी आपको मैंने हल कर किए हुए दिए हैं, लेकिन उसमें आपके पास जो है वो तीन न्यूमेरिकल हैं। 4.1 एग्जाम्पल है और न्यूमेरिकल नंबर 4.1 है और एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 4.3 है। ठीक है, आज मैंने जो न्यूमेरिकल हल की हैं वो इससे अलग हैं। ये आपके पास एग्जाम्पल 4.2 हल की हुई है, एक्सरसाइज ये एग्जाम्पल 4.3 है और एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल 4.4 मैंने हल किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 4.2 बताता हूँ। ये पहले वाली वीडियो के से बिल्कुल डिफरेंट है, ये न्यूमेरिकल के सारे मुख्तलिफ हैं पहले वाले न्यूमेरिकल के लिहाज से। तो ये आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए मैंने सबको इकट्ठा हल किया है। तो आपने जो है आज जो है वो सबसे पहले आपने एग्जाम्पल नंबर 4.2 देखनी है और तरीकाकार दोबारा वैसे ही होगा स्टूडेंट्स, जैसे आपने जो है वो फ्री बॉडी डायग्राम बनाई थी, पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप था फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और तीसरा स्टेप था आपके पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये वही स्टेप आपके पास तीन इन न्यूमेरिकल्स में भी रिपीट होंगे। ठीक है जी, इसी तरह आपने पहले फर्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इसमें भी दोबारा इसी तरीके से सीडी वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनमें तीन ये स्टेप आपने याद रखने हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, आखिरी तीसरा स्टेप है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपने फ्री बॉडी डायग्राम सबके लिए कैसी बनानी है, ट्राइंगल बनाना है, उसमें आपने कहना है इस पॉइंट को ए बी सी, ये आपके पास ए सी सी डी है, ए बी आपके पास ग्राउंड है, बी सी आपके पास वॉल है। तो आपने ए के ऊपर दो रिएक्शन लिखनी है, एक फ्रिक्शन का रिएक्शन है, फ्रिक्शन की फोर्स आपके पास राइट साइड पे एफ ए लग रही है और नॉर्मल रिएक्शन इसका ऊपर की तरफ आ रहा है। वॉल के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है आर सी। एग्जाम्पल 4.2 में उसने बताया हुआ है स्टूडेंट्स के हमारे पास वॉल जो है ना वो फ्रिक्शन लेस है, तो आपने जो है ना इसकी फ्रिक्शन नहीं लिखनी, क्योंकि ये वॉल फ्रिक्शन लेस है तो इसलिए हम इसकी फ्रिक्शन को नहीं लिखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपने ये डायग्राम बनाने के बाद आपने जो है ये हर दफा की तरह सीडी के सेंटर पॉइंट को आपने जी कहना है, जिसके ऊपर उसका वजन अमल करेगा और उसकी वैल्यू उसने दी हुई है एग्जाम्पल 4.2 में 13 होता है। अच्छा, ए बी जो लंबाई है वो उसने दी हुई है 10 मीटर है और ए सी लंबाई जो है वो 13 मीटर दी हुई है। तो आपने जो है वो इसको हल करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, दूसरे स्टेप के ऊपर आ जाए, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सिमेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिमेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो एक्स एक्सिस के ऊपर आपने फोर्सेस देखनी है। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि एफ ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है और आर सी नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इनको मैंने बराबर किया हुआ है। वाई एक्सिस के ऊपर अगर आप देखें तो आर ए ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर है और डब्ल्यू जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर है, तो इनको भी मैंने बराबर किया हुआ है। डब्ल्यू की वैल्यू 20 मीटर दी गई है तो आपके पास आर ए आ जाएगा। अब आपने दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप अप्लाई करना है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और हर दफा आपने सिग्मा टाई इज इक्वल टू 0, ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, आपने हर दफा सिग्मा टाई इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट ए के ऊपर हमेशा टॉर्क लेनी है। तो ए पॉइंट को फिक्स कर देना है, इसके गिर्द आपने देखना है ए पॉइंट के गिर्द कौन सी फोर्स सीडी को क्लॉकवाइज घुमा रही है और कौन सी फोर्स ऐसी है जो सीडी को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है। तो आपको यहां पे नजर आ रहा है कि क्लॉकवाइज डब्ल्यू घुमा रही है और एंटी क्लॉकवाइज आर सी घुमा रही है। तो यहां पे आपने डब्ल्यू कोवर जो लेनी है उसके लिए आपने यहां पे डब्ल्यू कोवर के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है एन। ठीक है जी, अब देखिए हमारे पास W जो कुवत है इसका फासला AG भी आ सकता था, लेकिन इसलिए नहीं लिया कि A मेरा W और AG के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं है, तो इसलिए हमने इस फोर्स को आगे बढ़ाया और हमने ये देखा है कि AM हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो इसलिए हमने AM को जो है ना W के साथ लिखा है, ये क्लॉकवाइज है। अब इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास RC फोर्स है, तो इसका फासला हमने A तक AC
ले सकते थे लेकिन ये 90 डिग्री नहीं है, तो इसलिए हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो ये फासला हमारे पास जो है वो आर सी का आएगा और ये फासला हमारे पास बी सी के बराबर है, तो आर सी के साथ हमने इसलिए बी सी लिखा है। तो ये दोनों टार्क है, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये आपस में बराबर है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के तहत। अब आपके पास डब्ल्यू की वैल्यू है और आर सी की वैल्यू जो है वो आपने मालूम करनी है। आपने ए एम और बी सी की वैल्यू इसमें से निकालनी है। देखिए आपके पास ये ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी आप दोबारा बनाएंगे ये ट्राइंगल। आपके पास ये फासला 10 मीटर है, ये फासला 13 मीटर है, तो आप बी सी फासला पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। वो आपके पास ये फार्मूला है, इस फार्मूले के तहत बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास अंडर रूट 69 आ रही है के परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर होता है। ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है, तो इसकी वैल्यू मैंने यहां पे निकाली हुई है, इसकी वैल्यू को मैंने यहां पे पुट किया है, ठीक है जी। इसके बाद आपने स्टूडेंट्स बी सी की वैल्यू पुट करने के बाद आपने आर सी ये जो ए एम है इसकी वैल्यू निकालनी है। आप देखें इस सीढ़ी की जो ए से लेकर बी तक जो लेंथ है वो है कि 10 मीटर, तो ये आपके पास पॉइंट एम जो है ये दरमियान में है, तो इसलिए आप इस 10 को आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं 5, तो आपके पास ए एम की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है जी। तो आपके पास 30 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 8.3, तो आर सी की वैल्यू आ गई। अब आर सी क्योंकि आपको पता है कि एफ ए के बराबर है, तो जो आर सी की वैल्यू आएगी वही एफ ए की वैल्यू आएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें आपको ये पता है कि फ्रिक्शन की फोर्स एफ ए है, तो अगर आपने फ्रिक्शन का फार्मूला लिखना है तो फ्रिक्शन का फार्मूला होता है म्यू आर ए, तो आपके पास एफ ए बराबर है म्यू आर ए आ जाएगा। आर ए इसका नॉर्मल रिएक्शन है, तो म्यू की वैल्यू इधर से निकालनी है, तो आर ए उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एफ ए डिवाइडेड बाय आर ए म्यू आ जाएगा। तो आपके पास स्टूडेंट्स एफ ए की वैल्यू भी है, आर ए की वैल्यू भी आपके पास है 30 न्यूटन, तो इन दोनों को पुट करेंगे तो म्यू की वैल्यू 0.6 आएगी। तो यही आपका सवाल था कि म्यू की वैल्यू निकालें, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ क्वेश्चन मार्क, ये आपके पास एग्जांपल 4.2 है। अब आप एग्जांपल 4.3 हल करनी है, इसमें दोबारा वही डायग्राम होगी, इसको ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट कहना है, इसके ऊपर दो रिएक्शन एफ ए आर ए, इसके ऊपर दो रिएक्शन आर सी और एफ सी। इस दफा एफ सी हमने इसलिए स्टूडेंट्स लिखा है क्योंकि हमारे पास ये जो दीवार है ये फ्रिक्शन लेस नहीं है, तो इसमें भी फ्रिक्शन है, तो इसलिए हमने एफ सी लिखा है। ये आपके पास सेंटर पॉइंट दोबारा जी आएगा, इसके ऊपर वजन सीढ़ी का आएगा, ठीक है जी। इसको मैंने लिखा हुआ है 200 न्यूटन एग्जाम्पल 4.3 में। अच्छा स्टूडेंट्स, इसकी सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर है, तो आपने जो है वो क्या कहना इस न्यूमेरिकल में एग्जाम्पल 4.3 में उसने ये भी बताया हुआ है कि सीढ़ी के ऊपर एक आदमी जो है वो चढ़ता है, तो सीढ़ी के कौन से पॉइंट पे होगा कि वो सीढ़ी फिसल जाएगी, तो आपने फर्ज करना है कि वो आदमी सीढ़ी के एन पॉइंट पे है तो सीढ़ी फिसलेगी। अब एन पॉइंट पे आदमी का वजन आपने लिखना है 500 न्यूटन, वो उसने दिया हुआ है W2, तो आपने एक और चीज भी इसमें लिखनी है एंगल, उसने कहा हुआ है कि सीढ़ी का एंगल 30 डिग्री है। तो ये सारी डायग्राम बनाने के बाद आपने जो है वो दोबारा दूसरे स्टेप पे आ जाना है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस पे एफ ए और आर सी है तो इनको मैंने बराबर किया है, और वाई एक्सिस पे जो है ना वो आर ए और एफ सी ये सेम डायरेक्शन में है तो प्लस कर दिया है, और अपोजिट डायरेक्शन में W1 और W2 है तो इनको प्लस करके मैंने इसके बराबर लिखा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये हमारे पास इक्वेशन है, W1 और W2 की वैल्यू दी हुई है, तो आपने इसमें पुट कर देनी है। अब एफ सी की वैल्यू आपको पता है कि फ्रिक्शन की फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन इसका एफ सी का आर सी है, तो वो हमने लिख दिया इसके साथ। इसी तरह एफ ए का नॉर्मल रिएक्शन है आर ए, तो यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला होगा म्यू एफ इज इक्वल टू एफ ए इज इक्वल टू म्यू आर ए। अच्छा जी, अब आपने एफ सी की वैल्यू यहाँ पे पुट की म्यू आर सी, ठीक है जी, तो ये आपके पास यहाँ से आई है। अब आर सी की वैल्यू है आपके पास एफ ए के बराबर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे आर सी एफ ए आ गया। अब एफ ए की वैल्यू आपने ये वाली पुट करनी है म्यू आर ए, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा एफ ए इज इक्वल टू म्यू आर ए, तो यहाँ पे म्यू दो दफा आ गया तो म्यू का स्क्वायर बन जाएगा, आर ए दो दफा है तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर और
बार एक कॉमन आ गया। इस इसमें आपके पास म्यू की वैल्यू 0.2 है, तो आप यहाँ पे स्टूडेंट्स पुट करेंगे तो आर ए की वैल्यू 673.07 न्यूटन ये निकलेगी। तो इसके बाद हमने आर ए मालूम करने के बाद हमने स्टूडेंट्स इस आर ए को इधर पुट करना है 673 को, और म्यू की वैल्यू 0.2 है तो एफ ए आ जाएगा। अब हम एफ ए मालूम करने के बाद हमें पता है कि एफ ए आर सी के बराबर है, तो आपके पास आर सी की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने एफ आर सी की वैल्यू मालूम करने के बाद आर सी होता है एफ सी इक्वल टू होता है म्यू आर सी के, तो आर सी की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो आपके पास एफ सी की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये सारी वैल्यूज आ गई हैं जो कि आपने मालूम करनी थी, और इसके बाद हमने इक्विलिब्रियम की दूसरी कंडीशन लगा देंगे जैसा कि हमने पिछले न्यूमेरिकल में किया है। तो सिग्मा टाई इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट ए, तो टॉर्क ए पॉइंट को फल्क्रम कहना है और उसके गिर्द देखना है कौन सी फोर्स क्लॉकवाइज है और कौन सी फोर्स एंटी क्लॉकवाइज है। अगर आप यहां पे गौर करें W1 W2 क्लॉकवाइज है और RC और FC एंटी क्लॉकवाइज, तो W1 और W2 का आपने फासला लेना है। W2 का फासला है आपके पास परपेंडिकुलर AP है और W1 का फासला है परपेंडिकुलर AM, तो इसी तरह RC का फासला, क्योंकि RC का फासला हमने परपेंडिकुलर लेना है तो इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये BC के बराबर आएगा। तो हमने इसलिए RC के लिए स्टूडेंट्स RC के लिए BC लिखा है, और आखिरी जो कुवत है वो हमारे पास FC है, तो FC हमारे पास AB के इसका फासला है जो AB आ जाएगा। तो ये सारी इक्वेशन स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई है। इस इन चीजों में आपने जो है वो W2 की वैल्यू भी है, W1 की वैल्यू भी है आपके पास, RC की वैल्यू भी है और FC की वैल्यू भी है, ये फासले नहीं है। तो आप इन फासलों के लिए स्टूडेंट्स ये वाली डायग्राम बनाएंगे जो कि आपको नजर आ रही है। देखिए सबसे पहले हमने AP फासला मालूम करना है। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है AP फासला ये है, तो आप इसकी ट्रायंगल बनाएंगे APN। यहाँ पे मैंने बनाई हुई है APN, अंदर एंगल है 30 डिग्री, और आपको पता है कि AN ये वो वाला फासला है जिस पॉइंट के ऊपर आदमी खड़ा है, तो हमने यहाँ पे फासला फर्ज किया हुआ है कि वो फासला x है। तो आपके पास ये जो ट्राइंगल है इसमें आपने जो है वो AP की वैल्यू निकालनी है, तो cos थीटा से निकलेगी क्योंकि AP बेस है, तो हमारे पास cos थीटा आ जाएगा बेस AP ओवर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमारे पास AN है, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास cos 30 होता है अंडर रूट 3/2, तो ये मैंने वैल्यू लिखी और AN की वैल्यू उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो x के बराबर है, तो AP की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इधर से स्टूडेंट्स आपने AP की वैल्यू इधर पुट करनी है AN की वैल्यू के लिए, AM की वैल्यू के लिए आप AMG ट्रायंगल बनाएंगे। AMG दोबारा अंदर एंगल 30 डिग्री है और AG अगर सीढ़ी की कुल लंबाई 5 मीटर है तो AG आपके पास 2.5 मीटर आएगा, तो आपने यहां पे स्टूडेंट से AG की वैल्यू 2.5 मीटर पुट करनी है। ये आपके पास आपने यहां पे AM निकालना है, बेस निकालनी है, तो cos थीटा से आएगी, cos थीटा होता है बेस AM ओवर हाइपोटेनस AG, तो ये आपके पास आ जाएगा AG मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, तो cos 30 होता है अंडर रूट 3/2 और AG की वैल्यू आपके पास है जी 2.5, तो ये आपने जहां ना इधर पुट कर देनी है तो ये आपके पास जवाब आएगा 2.165 मीटर AM आ जाएगा। तो इसी तरह आपने स्टूडेंट AM को इधर पुट कर देना। अब आपके पास BC की वैल्यू चाहिए, तो BC के लिए आपने यही दोबारा ट्रायंगल अब देखनी है कि BC कहां पे ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर बन रहा है, तो आप ट्रायंगल लेंगे ABC, तो इस ट्रायंगल में ABC ट्रायंगल में आपने स्टूडेंट्स जो है वो ये लिखना है अंदर की तरफ 30 डिग्री एंगल और ये AC लंबाई कुल है कि 5 मीटर, तो आप जो है यहां पे आपको परपेंडिकुलर चाहिए तो साइन थीटा से निकलेगा, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो ये आपको मैंने यहां पे निकाला हुआ है BC और AC। अब आपने BC की वैल्यू निकाल ली तो AC उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन 30 होता है 1/2, तो ये 1/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब आपने इसको जो है ना प्रूव करने के बाद इधर आपके पास BC की वैल्यू 2.5 मीटर आएगी। अब आपने स्टूडेंट्स दोबारा इसमें BC को पुट करने के बाद AB निकालना है, तो AB निकालने के लिए आपको दोबारा उसी ट्रायंगल को हल करना पड़ेगा ABC को, तो यहां पे एंगल दोबारा अंदर की तरफ 30 डिग्री आएगा, AC लंबाई 5 मीटर है। अब आपको cos थीटा से AB मिलेगा, तो
अब ये स्टूडेंट सारी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, एपी की वैल्यू भी, बीसी की वैल्यू भी, एएम की वैल्यू भी और जो है एपी की वैल्यू भी। अगर इन सारी चीजों में आप अगर गौर करें तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे जो दी हुई है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो आप क्या करेंगे, इस सारी इक्वेशन को हल करेंगे, इसमें सिर्फ एक्स जो है वो रह जाएगा, तो आप एक्स की वैल्यू को निकाल लेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 0.046 मीटर इस पूरी इक्वेशन को हल करने के बाद। तो ये हमारा सवाल था कि आदमी की पोजीशन बतानी थी कि किस जगह पे आदमी हो के सीढ़ी फिसले, तो उस फासले को हमने मालूम कर लिया कि किस फासले पे होगा तो सीढ़ी फिसलेगी। अब स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम एग्जांपल 4.3 की तरह एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल 4.4 है, फासला भी वही है, लंबाई सीढ़ी का 5 मीटर है, ठीक है जी, और एंगल भी अंदर का जो है वो 30 डिग्री है, बाकी सारी चीजें वैसे की वैसे रहेंगी, ठीक है जी। बस ये वजन जो है वो मुख्तलिफ है, सीढ़ी का वजन 250 है और आदमी का वजन 800 न्यूटन है। अब स्टूडेंट्स आपने दोबारा उसी तरीके से पहली कंडीशन लगानी है और दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन में आपके पास ये आ जाएगा FA = RC और यहाँ पे आपके पास y एक्सिस के लिए ये इक्वेशन बन जाएगी। दोबारा उसी तरीके से आपने इसको हल करना है FC और ये आपके पास इधर वैल्यू पुट करेंगे, फिर आपके पास RC FA के बराबर होता है और FA की वैल्यू ये पुट किया तो ये आपके पास RA बराबर आ जाएगा 1009 न्यूटन। अब आपने ये जो RA की वैल्यू है आपने इधर पुट करनी है तो म्यू की वैल्यू उसमें दी हुई है 0.2, तो आपके पास FA आ जाएगा और इधर से RC। अब आपने RC की वैल्यू इधर पुट करनी है तो आपके पास यहां पे FC की वैल्यू आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स दोबारा उसी तरीके से इक्विलिब्रियम की दूसरी कंडीशन पॉइंट ए के ऊपर लगानी है और ए पॉइंट के गिर्द क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। दोबारा उसी वही डायग्राम के मुताबिक इक्वेशन, W1 का फासला AM लेना है, W2 का फासला AP लेना है और RC का फासला BC लेना है और FC का फासला AB लेना है। तो ये फासले मैंने यहाँ पे पुट किए हैं तो आपके पास जो जवाब आएगा वो दोबारा उसी तरीके से इसमें AP, AM, BC और AB की वैल्यू नहीं है। तो अगर आप गौर करें तो इस इक्वेशन में, इस सवाल में और उस सवाल में सीढ़ी की लंबाई भी एक जैसी है और एंगल भी एक जैसा है। तो ये जो ट्रायंगल बनेंगे ना, ये चार ट्रायंगल AP, AM, BC और AB, इनके लिए ये बिल्कुल ट्रायंगल सेम बनेंगे। तो आप इसके लिए जो आपने हल किए हैं ये चार ट्रायंगल, बिल्कुल यही की यही ट्रायंगल आपने इनके लिए हल करनी है, तो इसलिए मैंने ये दोबारा नहीं लिखा। तो आप जो है इसका जवाब मैंने डायरेक्ट बाहर लिख दिया है, AP बराबर है 3/2x और AM बराबर है 2.165 मीटर और BC की वैल्यू भी वही है और AB की वैल्यू भी वही होगी, क्योंकि बिल्कुल सेम ट्रायंगल्स बनेंगे अगर आपके पास सीढ़ी की लंबाई और एंगल सेम होगा। तो इसी तरह स्टूडेंट्स इन सारी चीजों को AB, AM, BC, AB को इधर पुट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू बच जाएगी जो कि हमने मालूम करनी थी। तो यहां से भी आपके पास x का जवाब यहां पे निकल आएगा, तो वो आपने यहां पे लिख देना है। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स थे, तो इंशाल्लाह ताला हम जो है इसके अलावा और चैप्टर्स के न्यूमेरिकल जो है वो आपके सामने लेके आएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।